नमस्कार दोस्तों, अजय हिंदी कहानियां चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकें। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज होता है, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता भगवान की दिव्य वाणी है, जिसकी महिमा अपार है। इसकी वास्तविक महिमा को कोई पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता, यहां तक कि शेषनाग, भगवान शिव और गणेश भी नहीं। फिर इंसान की तो बात ही क्या है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के साथ 100 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे। इन सार को जानकर आप गीता का सही मतलब समझ सकेंगे। हर रात सोने से पहले इन विचारों को जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीता के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। सभी का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, सब मैं ही हूं। इस वीडियो में हम इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई इंसान चाहे जितना भी ज्ञान हासिल कर ले, चाहे दुनिया की सारी जानकारी रख ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह वास्तव में अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो दिल छोटा मत करो, क्योंकि वे आपकी असली कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें आंसू लाए, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहें, क्योंकि शांति में ही असली ताकत है। जैसे ठंडा लोहा मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, इसी तरह मुश्किल समय में आपके ये 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा सही और गलत का पता देती है, लेकिन असली चुनौती अपने मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन वही मुश्किलें उसे मजबूत बनाती हैं। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति न कभी खुशी से उछलता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक में डूबता है, न किसी काम की इच्छा करता है, और जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्याग करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। भगवान को पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान, योग और कर्मयोग। इनमें से कर्मयोग सबसे महत्वपूर्ण है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दें। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन और भी आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भागवत गीता को पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भाग्य में जो लिखा है वह किसी भी हाल में मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वह मिलकर भी छूट जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे तुलना और ईर्ष्या करता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और न ही अपने शरीर से कोई संबंध समझता है, वह सदा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म है, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। किसी भी ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जिस स्थान पर बारिश नहीं होती वहां फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस परिवार में संस्कार नहीं होते
वहां पीढ़ी भी बिगड़ जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके महत्वपूर्ण रिश्तों में आपका स्थान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की वास्तविकता को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में कभी भी सच्चे आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, वही हमारे लिए उपयुक्त है और यही एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बातों को इतनी मधुर रखो कि अगर कभी उन्हें वापस लेना पड़े तो कड़वा न लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, जबकि कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। फिर भी कुछ लोग सुनकर भी इसे नहीं समझ पाते। श्री भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख को समान समझता है और इंद्रियों और विषयों के सहयोग से व्याकुल नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य है। जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा वक्त है और वक्त हर किसी का बदलता है। सपने देखते रहो और कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया, वह अपनी असली ताकत को नहीं जान सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, वह सबसे बड़ा होता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो अपनी आत्मीय शक्ति को पहचानता है। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसे रोग हैं जो हमारी आत्मीय शक्ति को बिखरा देते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। जो लोग यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं और सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वहीं जो पापी केवल अपने शरीर को पोषण देने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जीवन में लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हर समय हर अवस्था में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, अंततः साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है, यही मायने रखता है। धर्म चाहे कोई भी हो, हमें हमेशा अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे कर्मों का हिसाब होगा, न कि हमारे धर्म का। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वह आपको करा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यदि कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर करती है और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी गलती के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो
तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ न करें। बहुत से लोग कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। राजा जनक जैसे ज्ञानी जन भी आशक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है और ना ही मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्म करने में लापरवाही बरतूं तो यह दुनिया अनर्थ में पड़ जाएगी, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में कोई मदद नहीं करता, और यदि कोई थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी कहलाता है। जो व्यक्ति सृष्टि चक्र और परंपराओं के नियमों का पालन नहीं करता, यानी अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाता नहीं है, वह इंद्रियों के भोग में लिप्त रहकर पाप करता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति आत्मा में सुख और संतोष पाता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। आत्मा की सच्चाई सबसे बड़ी होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, उसमें खोया रहता है और उसी में खुश रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। लेकिन ऐसे व्यक्ति सिर्फ लाखों में एक होते हैं। ऐसे महापुरुष के लिए कर्म करना या न करना दोनों ही बेअसर होते हैं, और बाकी प्राणियों के साथ इसका कोई स्वार्थपूर्ण संबंध नहीं रहता। जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, वह अन्य कर्म क्यों करेगा? ज्ञानी व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है कि उनके कर्मों से किसी और के मन में कर्म के प्रति नफरत या अपमान की भावना न पैदा हो। इसलिए ज्ञानी लोगों को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे सभी लोग अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने के लिए प्रेरित हों। तामसिक लोग आलस्य और नींद में लिप्त रहते हैं। राजसिक लोग शौर्य और बहादुरी दिखाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग समझते हैं कि उनके गुण ही उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो ज्ञानी नहीं होते, वे मानते हैं कि सब कुछ उनके प्रयासों से ही हो रहा है। उन रिश्तों को गहरे समुद्र में फेंक दो जिनमें वक्त के दौरान स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, चाहे वह आज रुक जाए कल तो चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहेंगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा ठगे जाने का खतरा रहेगा। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करें जो उसे निभाने के लायक हो। कुछ समय का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे सकते हैं, लेकिन सच्चे लोगों पर विश्वास उतना ही रखें जितना दवाइयों पर करते हैं। सच्चे लोग भले ही थोड़े कड़े हों, लेकिन वे आपके लिए फायदेमंद होंगे। जिन लोगों ने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की, उनसे दूरियां ही बेहतर हैं। बड़ा वही होता है जो छोटे लोगों के दर्द को समझ सके। आप जितना कम सोचेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे और क्यों कर रहा है, उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो सभी रिश्ते समाप्त करना ही बेहतर होता है। सुबह की नींद अक्सर इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग मंजिल पाना चाहते हैं, वे कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी चीज है जिसे लोग या तो भूल जाते हैं या याद रखते हैं, लेकिन हर इंसान अक्सर दो लोगों से हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। मूर्ख व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है, और जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। अपने जीवन को इतना व्यस्त बना लें कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई आपके भरोसे को तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वे हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। सुख और शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी न होने दें। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन है,
लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखें। किसी के दोषों का आकलन करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक है, और अपनी कमजोरियों को किसी के सामने न रखें, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी ना भूलें, एक जिसने आपको तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने तकलीफ में आपका साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहीं मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना भी न झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीखोगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आंधी और शिकायतें तभी दूर होंगी जब लोग एक दूसरे से बोलना सीखेंगे, न कि एक दूसरे के बारे में बोलना। विश्वास किसी पर इतना करें कि वह खुद को दोषी समझे जब वह छल करे, और प्रेम किसी से इतना करें कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ न भी जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी का मर्म जानना जीवन को सार्थक बना देगा। संबुद्ध युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है और उनकी गहराई से मुक्त हो जाता है। जब आपकी बुद्धि मोह की दलदल को पार कर जाएगी तो आप भौतिक और पारलौकिक सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन दुखों में भी शांत रहता है और सुखों में भी वह पूर्ण रूप से इच्छा रहित होता है। उसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जीवन में जब तुम समझ जाओ कि कब और कितना बोलना है, तब तुमने जीवन को सार्थक बना लिया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। दुख का कारण ईश्वर को न मानना नहीं, बल्कि ईश्वर की नहीं मानना होता है। समय पर सब कुछ मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। सच्चा प्रेम शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख वास्तविक नहीं होता। ये सुख तुम्हें शुरुआत में अमृत सा लगेगा, लेकिन अंत में तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने का रास्ता मेरे शरण में आने से ही खुलता है। अगर तुम्हें मेरी बातें अजीब लगती हैं तो तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब तुम मेरे दृष्टिकोण को समझोगे और मुझ पर विश्वास करोगे तो जीवन में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर भरोसा करता है मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु बन जाता हूं। यदि किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों तक उसका उद्धार नहीं होता। मैं हर दिल को एक मंदिर मानता हूं। जितना सुंदर दिल होगा मैं उतना ही वहां ठहरता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण विश्वास किसी पर मत करो सिवाय परमात्मा के। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से असफलता मिल सकती है और गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उस काम को छोड़ दो। एक दिन आएगा जब तुम पूर्णता को प्राप्त करोगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस यात्रा में मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। अपने दिल की सुनो और इसे नम्रता और सरलता के साथ अपनाओ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर तुम्हारा मुख्य उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है। केवल वही व्यक्ति मुक्ति पा सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखता है और सुख और दुख को समान दृष्टिकोण से देखता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है, वही सच्चा भक्त होता है। मेरे प्रति ऐसे भक्तों की विशेष कृपा है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी सदियों तक जीवित नहीं रहता। मैं हर जगह, हर घर में मौजूद हूं। मेरी ऊर्जा सभी स्थानों पर समान रूप से फैल रही है।
जो मुझे पहचानता है उसे मैं भक्ति का अमृत प्रदान करता हूं। अगर दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी सच्चे समर्पण के साथ मेरी पूजा करता है तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। मुझे किसी भी रूप में प्राप्त करने का तरीका पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। कुछ लोग विवेक से, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग से मुझे पाते हैं। तुम मुझे किस रूप में बुलाना चाहोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। मेरे प्रति सजग रहो, मेरी उपासना करो और हर कार्य में मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम मेरे प्रिय रहोगे। जो लोग प्रेम को तुच्छ मानते हैं वे मूर्ख हैं। प्रेम ही संसार की जड़ है, इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। रिश्तों में नियमित दूरियां उन्हें मजबूत बनाती हैं, जबकि अनियमित दूरियां उन्हें तोड़ देती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से आकार लेता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करो, अधर्म के विरुद्ध खड़े हो जाओ और अपने प्रियजनों के लिए त्याग सीखो। सत्य हमेशा पानी में तैरते तेल की बूंद के समान होता है। चाहे कितनी भी असत्य की सामग्री डालो, सत्य हमेशा ऊपर ही रहेगा। अपने जीवन में न आनंद के समय वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो और न दुख में निर्णय लो। चाहे कोई कितनी भी जानकारी रखता हो, अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। लोग आपकी तारीफ करेंगे और आपसे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सत्य मानकर खुद को फंसाने से आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर वही लोग चोट पहुंचाते हैं जो आपके करीब होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का यह ज्ञान महत्वपूर्ण है कि महाभारत की लड़ाई केवल एक ही परिवार के बीच की थी। जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो वह दर्द एक दिन आपको भी मिलेगा। किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक कुछ भी नुकसान पहुंचाता है। जीवन को संतुलित तरीके से जीना चाहिए। जो आपके साथ अन्याय करे, पाप करे, उसे सजा जरूर दें। अगर आप सहेंगे तो वह और गलत करेगा और आप बड़े पाप के भागीदार बन सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना आना चाहिए। जीवन में हमेशा वही करें जो आपके लिए सही है, न कि वही जो लोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या प्रयास भी नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति का खुद के महत्व को नहीं समझना और दूसरों से सम्मान की अपेक्षा रखना बेकार है। बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ता, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। समय की कदर न करने वाले को समय भी महत्व नहीं देता, और ऐसे लोग जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। संगति का जीवन पर गहरा असर पड़ता है। बुरे लोगों के साथ रहने पर अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन सकता है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत करें। दुनिया में केवल परमात्मा ही सच्चा साथी है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति न तो इस लोक में शांति, धन या यश प्राप्त कर सकता है, न ही परलोक में स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। संदेह और संशय सफलता के मार्ग में रुकावट डालते हैं, इसलिए संदेह से बचें और ईश्वर पर विश्वास रखें। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुमने क्या लाया था जो खो दिया, और जो पैदा किया था वह नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया वह यहीं से लिया, और जो दिया वह यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग वही मार्ग है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है और हमें न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों का पता चलता है, बल्कि जीवन के बाद की गति का भी पूर्वाभास मिलता है। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। भागवत गीता में कर्मयोग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, खासकर गृहस्थ और कर्मठ व्यक्तियों के लिए। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन आसक्ति रहित होकर। कर्मयोगी कर्म करता है क्योंकि उसे कर्म करना अच्छा लगता है, इसके परे उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता की समान होती है। वह पाने की चिंता नहीं करता, वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता,
इसलिए वह दुख के चंगुल से बचा रहता है। कर्म फल का त्याग कर यदि आप धर्म निरपेक्ष कार्य करते हैं तो वह भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई भी कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए चाहे कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाएं और अतिरिक्त कामनाएं होती हैं। कर्मयोगी कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखता, इसलिए वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यही मन है जो व्यक्ति को काम वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। जीवन को सफल बनाने के लिए मन पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन को वश में नहीं रखेंगे तो वह आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं और जो शुभ और अशुभ वस्तुओं को समान भाव से स्वीकार करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ऐसा व्यक्ति मुनि के समान है जो स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है, स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और गुस्सा आने पर स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे समुद्र अपनी स्थिति को अचल बनाए रखता है, चाहे कितनी भी बड़ी आंधी तूफान आए या कितनी भी नदियों का जल उसमें प्रवाहित हो, वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। उसी प्रकार योगी जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है, उसकी स्थिति भी अचल रहती है, चाहे कितनी भी सांसारिक सुख सुविधाएं या दुख संताप उसे घेरे, वह योगी नित्य अटल और एक रूप रहता है। जो व्यक्ति पूरी तरह से कामनाओं को त्याग कर ममता अहंकार और स्पृहा रहित होकर जीता है, वही शांति प्राप्त करता है। जैसे प्रकाश अंधेरे में चमकता है, सत्य भी उसी प्रकार चमकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, जबकि झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल वही सत्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति महान जन्म से नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम तुरंत सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो। श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण को देखकर अन्य लोग भी वैसा ही आचरण अपनाते हैं। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह जीवन में सुख शांति और सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि विपरीत हो जाती है और वे सुख साधनों को भी विपरीत समझने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे अनैतिक आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं, जिससे उनका इस लोक और परलोक दोनों में पतन होता है। ऐसे लोग अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या नरक में भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारी बन जाती है और वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं जो तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक नए रूप में प्रकट होता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जो भी रूप में मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें उसी रूप में दर्शन देता हूं। वे जैसे भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी भाव का अनुसरण करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होते हैं, मैं भी उनके लिए व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस लोक में लोग सांसारिक भोग के लिए देवताओं की पूजा करते हैं
क्योंकि देवताओं की पूजा का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि कामना के साथ भी मेरी पूजा करते हैं तो मैं उनकी कामना पूरी करता हूं, जिससे वे विषयों से वैराग्य प्राप्त कर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ाते हैं। इसलिए सांसारिक लोग अक्सर मेरी भक्ति का फल शीघ्र नहीं देख पाते और कर्मों का फल जल्दी प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसते हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि भाग्य से भी बड़ा उनका कर्म है जो उनके स्वयं के हाथ में होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीती बातों का पछतावा और भविष्य की चिंता करना निरर्थक है। वर्तमान में जीने की कोशिश करो। जो व्यक्ति न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी और सन्यासी की तरह होता है और वह सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं किसी के भाग्य या कर्म फल का निर्माण नहीं करता। मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम भुगतता है और उसी से भाग्य बनता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु होता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्मयोग या भक्ति योग के माध्यम से एक ही जन्म में संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर कई योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति भागवत प्राप्ति के मार्ग में कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे वह इस लोक में हो या परलोक में, वह परमात्मा के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया द्वारा भ्रमित है और जो जानबूझकर पाप कर्मों में लिप्त हैं और मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, वे जीवन और मृत्यु के बाद भी कष्टों से मुक्त नहीं हो पाते। जो व्यक्ति अंतिम समय में भी मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो भक्त मेरे लिए प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पित करता है, मैं उस प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि को स्वीकार करता हूं। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, दान देता है या तप करता है, सब कुछ मुझे अर्पित कर दे। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में होते हैं और मैं उनमें होता हूं। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है तो वह साधु के समान हो जाता है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति का व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भूत हो, पिशाच हो या चांडाल हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो वह परम गति को प्राप्त होता है। हमारे अंदर के तामसिक गुण हमें हीन भावना, उदासी और नुकसान की ओर ले जाते हैं, जबकि राजसिक गुण हमें ईर्ष्या और लोभ से ग्रस्त कर देते हैं। हर व्यक्ति को तामसिक और राजसिक गुणों को समाप्त करके सात्विक गुणों को अपनाना चाहिए। सात्विक गुण वह हैं जो आत्मा को अपने आसपास की चीजों से जोड़कर उन्हें प्रेम करना सिखाते हैं। यदि तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। संसार कमजोर हो सकता है लेकिन इसे बनाने वाला नहीं। जीवन में हमारी अच्छाई और बुराई केवल दो लोग जान सकते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना सबसे बड़ा सहारा है। जो इसे पहचान लेता है वह डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। हर व्यक्ति को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए और अपनी काबिलियत और क्षमता को जानना चाहिए। खुद की पहचान ही आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं समझेगा तब तक उसका उद्धार संभव नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप पर पूरा विश्वास करना चाहिए। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति का विश्वास जिस दिशा में होता है वही अंततः वह बन जाता है।
सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान होते हैं। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा, इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में संयम बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने काम को पूरी ईमानदारी और मन लगाकर करते हैं और छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी खोजते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत, जो लोग अपने काम को केवल एक बोझ समझते हैं और उसे सही ढंग से नहीं करते, वे हमेशा जीवन में पीछे रह जाते हैं। स्वार्थी प्रवृत्ति वाले लोग, जो सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं रखते, उनका कभी भला नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से ऐसे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। स्वार्थी दृष्टिकोण उस धूल के समान है जो शीशे में फैल जाती है, जिससे व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी ठीक से नहीं देख पाता। स्वार्थ एक ऐसा भाव है जो इंसान को दूसरों से दूर कर देता है और नकारात्मक हालातों की ओर ले जाता है, जिससे वह अकेला पड़ जाता है। अगर आप अपने जीवन को खुशीपूर्वक जीना चाहते हैं तो अपने स्वार्थ को दूर रखें। स्वार्थी लोग दोस्ती भी केवल अपने फायदे के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। अगर आप इस सत्य को मान लें तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ईश्वर ही सृष्टि का निर्माण करता है और पूरे जगत को चला रहा है। इंसान केवल ईश्वर के हाथ की कठपुतली है, इसलिए अपने भविष्य या अतीत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हर कठिनाई में इंसान का साथ देता है और उसे संकट से उबारता है, इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि पहले अपने काम को प्राथमिकता दें और उसे पूरा करें, फिर दूसरों के काम पर ध्यान दें। जो लोग अपने काम को नजरअंदाज करके दूसरों के काम में लग जाते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो मौन रहकर कह सकता है, वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हैं, उनमें समय गंवाना मूर्खता है। कोई भी व्यक्ति समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ नहीं प्राप्त करता, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। जो लोग ईश्वर पर मन लगाते हैं और उसकी भक्ति करते हैं, उन्हें वह सब मिल जाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, और जो पहले से उनके पास है उसकी रक्षा भी होती है। बुरे वक्त में परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितना भी बुरा समय आए, विचलित न हो और डटकर सामना करें। यह संसार का नियम है कि जो आया है वह दुख भी लाएगा। रोने या चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा, इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो पीछे न हटें। इसका मतलब है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज की चिंता किए बिना अपने काम को पूरा करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान तब होती है जब मुश्किल वक्त आता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के कठिन समय में उनका साथ दिया था, आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए और ऐसे दोस्त बनाना चाहिए जो कठिन परिस्थितियों में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार और जीत लगती रहती है, लेकिन सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीखकर आगे बढ़ता है। हार मानकर निराश होना समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए एक ठोस रणनीति बनाना आवश्यक है। बिना योजना के सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। जैसे पांडवों को श्री कृष्ण की बनाई रणनीति की वजह से युद्ध में जीत मिली, वैसे ही हर मोर्चे पर विजय के लिए एक सही रणनीति जरूरी है। यदि कोई साधक अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसे फिर से शुद्ध और संपन्न परिवार में जन्म देकर उसकी अधूरी साधना पूरी करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, मैं ही इस सृष्टि का महाकारण हूं। जैसे मोती सूत की माला में पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थिर रहता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका मतलब है कि भगवान के बिना इस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया, जो सत, रज और तम के तीन गुणों से युक्त है, को पार करना असंभव है। मनुष्य इस माया में उलझे रहते हैं, भोगों की इच्छा से छुटकारा नहीं पा सकते, और कभी सुखी तो कभी दुखी, कभी समझदार तो कभी मूर्ख, कभी बलवान तो कभी निर्बल मानकर इसी माया में फंसे रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाते हैं,
वे इस माया को आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मुझ पर रहती है और वे माया के प्रभाव में नहीं आते। हे अर्जुन, मेरे चार प्रकार के भक्त होते हैं। आर्थ भक्त, ये भक्त उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जो दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण लेते हैं। वे संकट की स्थिति में केवल भगवान को ही पुकारते हैं और किसी अन्य सहारे की उम्मीद नहीं करते। उदाहरण के लिए द्रौपदी और गजेंद्र, जो अपने संकट के समय अन्य उपायों की मदद लेते हुए अंत में केवल भगवान की शरण में आए और भगवान ने उनकी रक्षा की। अर्थार्थी भक्त, ये भक्त धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। जिज्ञासु भक्त, ये भक्त भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं। वे केवल भगवान के स्वरूप और उनके दिव्य ज्ञान की खोज में होते हैं। ज्ञानी भक्त, ये भक्त भगवान को ज्ञान सहित जानने का प्रयास करते हैं और उनके साथ गहरे और वास्तविक संबंध की तलाश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भक्त की भगवान के प्रति भक्ति और उनकी मनोस्थिति अलग होती है, लेकिन सच्ची भक्ति के माध्यम से वे सभी भगवान के पास पहुंच सकते हैं और माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता की एक कथा में अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है जबकि बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि यह सब अज्ञानता की वजह से है। वास्तविकता कुछ और होती है जिसे लोग समझ नहीं पाते। उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव दिया जिससे उसे सच्चाई समझ में आ सके। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यापारी था जो धर्म में विश्वास करता था। वह हर रोज मंदिर जाता, पूजा करता और दान करता। वहीं दूसरा व्यक्ति जो निष्ठुर था, मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराता और धर्म से उसका कोई वास्ता नहीं था। एक दिन भारी बारिश हुई और मंदिर में केवल पुजारी ही था। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उस निष्ठुर व्यक्ति ने सोचा कि यह सही समय है मंदिर का धन चुराने का। इस कथा से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है और यह मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह धर्म की राह चुने या अधर्म की। पंडित से नजर बचाकर उस निष्ठुर व्यक्ति ने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। जब एक धर्मपरायण व्यापारी मंदिर पहुंचा, पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। लोग एकत्र हुए और व्यापारी को बुरी तरह पीट दिया। किसी तरह उसने वहां से भागकर बचने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकराकर वह घायल हो गया और लंगड़ाते हुए घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात चोर से हुई, जिसने मंदिर से चुराया गया धन दिखाते हुए कहा कि उसकी किस्मत चमक गई है। ये देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई और वे यमराज की सभा में पहुंचे। वहां भले व्यक्ति ने देखा कि चोर को धन और सम्मान प्राप्त हो रहा था, जबकि उसने जीवन भर धर्म और दान में विश्वास रखा था, लेकिन उसे हमेशा अपमान और दर्द मिला। भले व्यक्ति ने गुस्से में यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए और दान किया, लेकिन मुझे केवल कष्ट मिला। इस व्यक्ति को गलत कर्म करने के बावजूद धन मिला, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? पंडित की निगाह से बचते हुए उस निष्ठुर व्यक्ति ने मंदिर का पूरा धन चुरा लिया। जब एक धर्मपरायण व्यापारी मंदिर पहुंचा, पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। भीड़ ने व्यापारी को बुरी तरह पीटा और किसी तरह उसने वहां से भागकर बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदकिस्मती का सिलसिला यहीं नहीं रुका। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकराकर वह घायल हो गया और लंगड़ाते हुए घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात चोर से हुई, जिसने मंदिर से चुराया गया धन दिखाते हुए कहा कि उसकी किस्मत चमक गई है। यह देखकर व्यापारी को बहुत दुख हुआ और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। कई सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई और वे यमराज की सभा में पहुंचे। वहां भले व्यक्ति ने देखा कि चोर को सम्मान और धन प्राप्त हो रहा था, जबकि उसने जीवन भर धर्म और दान में विश्वास रखा था, लेकिन उसे हमेशा अपमान और कष्ट मिला। गुस्से में भले व्यक्ति ने यमराज से पूछा, मैंने सच्चे कर्म किए और दान किया, लेकिन मुझे केवल दुख मिला। इस व्यक्ति को गलत कर्म करने के बावजूद धन मिला, ऐसा भेदभाव क्यों? मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए।
जीवन का आनंद लो, उदारता से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो और किसी का अहित न सोचो। सभी के साथ सद्भावना से पेश आओ, क्योंकि कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्यों के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्म किस प्रकार किया गया है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान आपके द्वैत कार्यों को समाप्त कर आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास एक बच्चे की तरह करो, जो हवा में उछलते समय हंसता है और डरता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वह गिरने नहीं देगा। जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से उत्पन्न सिद्धियां शीघ्र प्राप्त होती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचित हैं। सृष्टि और रचना का कार्य करने के बावजूद मैं अविनाशी परमेश्वर अकृत्य ही हूं। कर्मों के फल में मेरी कोई स्पर्श नहीं है, इसलिए मुझे कर्मों से लिप्त नहीं किया जा सकता। भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस अपने कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने भी इस तरह के कर्म किए और मोक्ष को प्राप्त किया। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में पढ़ेगा, वह मुझसे जुड़ जाएगा और इससे बड़ा कोई प्रिय कार्य नहीं है। कोई भी मनुष्य जो श्रद्धा और पवित्रता से इस गीता को सुनेगा, सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।